अपशिष्ट जल की कहानी। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वो अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? जल हमारी जीवन रेखा, स्वच्छ जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। क्रियाकलाप 18.1, वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। चित्र 18.1, हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया है। आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। स्वच्छ जल के उपयोग पेयजल, स्वच्छ जल का उपयोग कृषि में भी किया जा सकता है, पौधों की सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधी रोग से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था, कई क्षेत्रों में लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? आपने अध्याय 16 में जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक की विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश से पहले उसमें प्रदूषण को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्यतः रूप से वहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो, वाटर फॉर लाइफ 2005 to 2015 के बीच दिखाया गया है। वहित मल क्या है? वहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उद्योग उपयोग के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। क्रियाकलाप 18.2, आपने घर के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नली को देखिए और उसमें बहने वाले वहित जल का निरीक्षण कीजिए। वहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षक शिक्षिका से इस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार की प्राप्त जानकारी को सारणी 18.1 में सारणीबद्ध कीजिए। अब हम जानते हैं कि वहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत जीव और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। कुछ अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। इस प्रकार के उदाहरण इसमें दिए गए 18.1 सारणी में। कार्बनिक अशुद्धियां, मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र,
पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ये सब अकार्बनिक अशुद्धियाँ पोषक तत्व हैं। जीवाणु में हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विफ्रियो, कोलेरा और सालमोनेला पैराटाइफी, अन्य सूक्ष्म जीव पेचिश आदि रोग से उत्पन्न करने वाले प्रोटोजुआ। जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा जिसे हम संदूषक, सर्वेक्षण बहित मल के प्रकार, उपस्थिति स्थल, संदूषक पदार्थ, कोई अन्य पदार्थ, कूड़ा करकट, मलिन जल, रसोई, दुर्गंध युक्त अपशिष्ट, शौचालय, व्यावसायिक अपशिष्ट, औद्योगिकी और व्यावसायिक संस्थान। सीवर कहते हैं जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। वह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो बहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मैन होल सामान्यतया प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहाँ दिशा में परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 18.3, अपने घर, विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वहित मल के पथ का अध्ययन करें। निम्नलिखित कार्य करें, वहित मल के पथ का रेखाचित्र बनाएं, गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें और मेन होल लों की संख्या मालूम करें। किसी खुले नाले के इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से सजीव जीव पनप रहे हैं उनकी सूची तैयार करें। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र न हो तो यह मालूम कीजिए कि वहित मल का निपटान प्रबंधन कैसे होता है। प्रदूषित जल का उपचार क्रियाकलाप 28.4 से आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो वहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। क्रियाकलाप 18.4, इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों के समूहों में विभाजित कर लें। प्रत्येक चरण में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। कांच के किसी बड़े जार को 3x4 भाग तक पानी से भर लीजिए। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला दें। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखा रहने दें। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परख नली में डालें। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना एक की चिट लगाकर इसे नामांकित करें। मिश्रण की गंध कैसी है? कांच के जार में से इस बचे मिश्रण में जल जीवशाला एक्वेरियम के वातित्व से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारे हैं। वातित्व को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातित्व नहीं है तो यांत्रिक बिलोडक अथवा मिक्सर का उपयोग करिए। आपको इसके अनेक बार बिलोडित करना पड़ सकता है। अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परख नली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकु की कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए। चित्र 18.2, वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है।
बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक यह आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता है। ये स्वच्छ जल वातित द्रव का फिल्टर करने का प्रक्रम 18.2 चित्र में दिखाया। फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालिए और उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए। चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक जल स्वच्छ न हो जाए। परख नली को क्लोरीन कृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिए। सभी परख नलियों के नमूने का ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए। इन्हें चखिए मत, केवल उनकी गंध सूंघिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है? बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियां दूर हो गई थी? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया था? क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है? अरुचिकर गंध होती। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रवों को पृथक करने में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने साल का छन्ने बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। चित्र 18.3 में दिखाया गया है साल का छन्ने अवहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी पेदी में बैठ जाते हैं। चित्र 18.4 में ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी दिखाई गई है। फिर तीसरी बार फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदी मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह अपंक सलज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमीट स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मल कृत जल कहलाता है। चित्र 18.5 में जल अपमीथक अपंग को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह अवायु जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाले बायोगैस, जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। निर्मल कृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायु जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मल कृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट, साबुन व अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। चित्र 18.6 में ये दिखाया गया है। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पेटी में सक्रिय अपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रिय अपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क अपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी-कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है।
नदी में जल प्राकृतिक रूप से उन्हीं परक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है जो वहित जल उपचार संयंत्र में अपनाए जाने वाले परक्रमों के जैसा ही होती है। क्या आप जानते हैं, यह सुझाव दिया गया है कि हम वहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निर्मुक्त करते हैं। जागरूक नागरिक बने। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव की प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित आवश्यक कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचरे से उठाने वाली दुर्गंधों से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोगकारक हो सकती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खी तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत के इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का बोझ मत बढ़ाइए। पहली जानना चाहती है कि यह कैसे संभव होगा अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। अपशिष्ट पदार्थ और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। खाना पकाने के तेल और वसाओं को नालियों में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती हैं, जिसमें उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभावित कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियां आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के अशुद्धिकरण में सहायक होते हैं। इसीलिए इन्हें नालियों में मत बहाइए। प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृत खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। चित्र 18.7, ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों के कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल बेवन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदियों के किनारे, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। अनुपचारित मानव, ये देखिए, ये वाला मेथड फर्स्ट वाला रंग है, सेकंड वाले में देखिए, ये कूड़ेदान में हरे कचरे को सिंक में मत फेंकिए। मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है, इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौम्य जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम्य जल कुओं, ट्यूबवेल, नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है, जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था। अतः अनुपचारिक मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित हैं। वहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण
सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। बुझो जानना चाहता है कि हवाई जहाज में वैध मल का निपटान कैसे होता है। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटान पर तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नलियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग जल के स्रोत के रूप में किया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता, हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है, बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इस प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल, कृत्रिम प्रसंस्करण शौचालय, शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया, जिसमें मानव मल को केचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीकी मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः क्रीम केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना तथा मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान इत्यादि। आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं, प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं, इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़े करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान न हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। निष्कर्ष, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी की भूमिका निभानी है। जल स्रोतों का स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी वैयक्तिकता पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादित से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे के मुंह नहीं देखना चाहिए। प्रमुख शब्द अपशिष्ट जल, अवायवी जीवाणु, वायवी जीवाणु, अपंग, सीवर, जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट पदार्थ, वहित मल, वातन, स्वच्छता, बायोगैस, जल शोधन। आपने क्या सीखा? प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। यह वहित मल कहलाता है। वहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार के 100 उत्पाद अपंग और बायोगैस हैं। खुली या मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है। अभ्यास प्रयोग, विस्तारित
गम क्रियाकलाप और परियोजना कार्य प्रमुख शब्दों का उपयोग करते हुए अपनी एक वर्ग पहेली बना लीजिए। कब और अब अपने दादा दादी और अपने अड़ोस पड़ोसी के अन्य वृद्धजनों से बात कीजिए। उनके समय में उपलब्ध वर्तमान निपटान तंत्रों तथा व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए। आप और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले अपने परिजनों और मित्रों को पत्र भी लिख सकते हैं। अपने द्वारा एकत्र की गई जानकारी पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। किसी वर्तमान उपचार संयंत्र का भ्रमण कीजिए या भ्रमण की चिड़ियाघर संग्रहालय या उद्यान के भ्रमण जितना ही रोमांचकारी और ज्ञानवर्धक होगा। आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपनी नोटबुक पुस्तिका में रिकॉर्ड कीजिए स्थान दिनांक समय संयंत्र के अधिकारी का नाम मार्गदर्शन शिक्षक वैतमल संयंत्र कहाँ स्थित है उपचार क्षमता आरंभिक प्रक्रम के रूप में छानने का उद्देश्य वातिक टंकी में वायु के बुलबुले कैसे बनाए जाते हैं उपचार के उपरांत जल कितना सुरक्षित होता है इसका परीक्षण कैसे किया जाता है उपचार के उपरांत जल को कहाँ विसर्जित किया जाता है तेज वर्षा के दौरान संयंत्र का क्या होता है क्या बायोगैस का संयंत्र द्वारा ही उपभोग कर लिया जाता है अथवा अन्य उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति की जाती है उपचारिक अपंग का क्या होता है संयंत्र से आसपास के घरों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कोई विशेष प्रयास किए जाते हैं पृथ्वी पर सबसे निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करके हमें निर्धनता से प्रेरित कष्टों को कम कर सकते हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं यूनिसेफ अधिक यूएन ऑर्गेनाइजेशन या मिलीनियम गोल्स वाटर फॉर लाइफ इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन HWUN या वाटर फॉर लाइफ डिकेड वर्ल्ड वाटर डे थेम्स एंड इम्पोर्टेंट्स HTTP://www.CEP यूनिपी ऑर्गेनाइजेशन PUB टेरी रिपोर्ट ट्रे हाउस होल्डेड परसेंट 20 सिस्टम HTM एक प्राचीन अभियांत्रिक उपलब्धि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। संभवतः विश्व का पहला शहर स्वच्छ संयंत्र यही विकसित हुआ था। शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवा घरों के समूह कुओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए पृथक कक्ष होता था और व्यर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकलने का प्रबंधन था जो प्रमुख सड़कों और गलियों में बनी होती थी। ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना है।